और आज भी जो प्रदर्शनकारी है वो पीछे हटने के मूड में नहीं है, और शायद यही वजह की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, ये देखिए किस तरीके से, और ये देखिए पानी की बौछार के बाद अब आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए। बंगाल में उबाल है, उबाल के साथ साथ संघर्ष है, संघर्ष के साथ आक्रोश है, आक्रोश के साथ युद्ध जैसे हालात है बंगाल के सड़कों पर आज, जहां पे छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वो छात्र जो अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, हाथों में तिरंगा लेकर के ये बंगाल की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए बंगाल के सड़कों पर आज संघर्ष कर रहे हैं, और उनको रोकने के लिए सरकार की ओर से तमाम तैयारियां दिखाई दे रही है, जहां पे पानी की बौछार की जा रही है और अब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं बंगाल सरकार पर भी, बंगाल सरकार के साथ साथ सवाल दरअसल ये भी कि जो ममता बनर्जी, जो ममता दीदी खुद बंगाल की महिला मुख्यमंत्री हैं, एक बंगाल की बिटिया के साथ ऐसा अन्याय होता है, विभत्स वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो उस पर खुलकर बात करने के, उस पर खुलकर अपनी गलती स्वीकार करने के, उस पर पहले दिन ही कड़ी कार्रवाई करने के बजाय आज जो लोग अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, उन पर लाठियां भाजने के साथ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कोलकाता से हम, जहां पे जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं उन प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं आज वो भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। आज बंगाल में संघर्ष की स्थिति है, पुलिस ने पहले लाठी चार्ज किया तभी पीछे ना धकेल पाए तो आंसू गैस के गोले छोड़े, और अब ये देखिए जहाँ पर मेरी मौजूदगी है वहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं, जहाँ पे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया जा रहा है, जहाँ पर आप उनको पीछे की ओर धकेला जाए, लेकिन फिलहाल जो प्रदर्शनकारी है वो पीछे हटने के मूड में नहीं है, और शायद यही वजह है कि इसको लेकर आकलन बहुत पहले से था बंगाल पुलिस का। बंगाल पुलिस की ओर से बीते 2-3 दिनों से कुछ वीडियोज जारी किए जा रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि कैसे जो प्रदर्शनकारी है वो प्लानिंग कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर घेराव करने की, प्रदर्शन करने की। बंगाल पुलिस की ओर से इसकी तैयारी भी कर ली गई थी, क्योंकि आज जो तैयारी देख रहे हैं आप मेरे इर्द गिर्द, ये तैयारी एक दिन की नहीं है, ये तैयारी कुछ घंटों की नहीं है, ये तैयारी दिनों की है। जब पुलिस की ओर से यह आकलन था कि इन इन बड़े चौराहों पर प्रदर्शन किया जाएगा तो हमारी ओर से फर्दर स्टेप क्या होगा, और यही वजह है कि आज देख रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे पुलिसकर्मी है, यहाँ पे बुलडोजर भी रखा गया है, वाटर कैनन से लेकर के फायर ब्रिगेड की टीम, आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले जो वॉलंटियर्स है उनको अलग कर दिया गया है, जो महिला पुलिसकर्मी उनको अलग कर दिया गया है, यानी कि जो प्रदर्शनकारी वहां से आगे बढ़ते हुए इधर की ओर आएंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे तो उन्हें यहाँ कैसे रोका जाएगा, उसकी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। हमारी मौजूदगी जो है वह हावड़ा ब्रिज के बगल वाले ब्रिज पर है, जहां से एक वैकल्पिक रास्ता है प्रदर्शनकारियों के जाने आने के लिए। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम लगातार ये बताने के लिए काफी है, और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर हम, जहाँ पे बंगाल के अलग अलग जगहों से अलग अलग सड़कों से तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज जो है वो किया गया, आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए हैं। हावड़ा ब्रिज के पास की तस्वीरें हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि कैसे पानी की जो बौछारें हैं वो प्रदर्शनकारियों पर की गई, उन छात्रों पर की गई जो इंसाफ की साफ तौर पर मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में ये भी देखेंगे कि बड़े बड़े बैरिकेड्स तकरीबन 10-12 फीट के जो बैरिकेड्स है उनको एक तरीके से तैयार किया गया था, बकायदा उनमें वेल्डिंग कर दी गई थी। प्रोटेस्टर्स जब उस बैरिकेड के पास पहुंचते हैं उसको हटाने की कोशिश करते हैं, और उस बीच वाटर कैनन का सबसे पहले तो इस्तेमाल किया गया, उसके बाद प्रोटेस्टर्स जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं प्रदर्शनकारियों पर। इन्हीं तस्वीरों को लेकर सुबह से ही डर जताया जा रहा था, और जिस तरीके की तैयारी की गई थी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें लोगों के जहन में थी कि ऐसा भी हो सकता है, और वैसा ही देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं कि कैसे पानी की बौछारें उन स्टूडेंट्स पर डाली गई हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपने इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए ये सभी लोग हावड़ा ब्रिज पहुंच रहे थे, उसको क्रॉस करना चाहते थे, और आगे नबन्ना जिसे सचिवालय बोला जाता है वहां तक जाने की इन लोगों की उम्मीद थी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे जो हावड़ा ब्रिज है वहां से वाटर कैनन की जो बौछारें हैं वो प्रोटेस्टर्स पर छोड़ी गई, प्रोटेस्टर्स को खदेड़ने की कोशिश जो है वो की गई है, प्रोटेस्टर्स को पीछे हटाने की कोशिश जो है वो की गई है, इससे पहले लाठीचार्ज भी प्रोटेस्टर्स पर किया गया जो दूसरे रास्ते से हावड़ा ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उन सभी पर आंसू गैस के गोले छोड़ने की भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ये टॉप एंगल व्यू आप देखेंगे जिसमें आप समझ पाएंगे कि कैसे दोनों तरफ से जो पानी की बौछारें हैं वो प्रोटेस्टर्स पर छोड़ी जा रही है, और जितने भी प्रोटेस्टर्स है, प्रदर्शनकारी थे, स्टूडेंट्स थे, इन सभी को पीछे खदेड़ने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है। इसी तरीके की तस्वीरें कोलकाता के अलग अलग 6 अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां से सचिवालय
किले की तरफ कूच करना है, उन्हीं जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर प्रोटेस्टर्स अपनी मांगों को लेकर, ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। 12:30 बजे से ये जो प्रोटेस्ट है वो शुरू है और तस्वीरें लगातार बयां कर रही है कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स को पीछे खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले हो, वाटर कैनन हो, इन सभी का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। इस तस्वीर में आप देखिए कि कैसे आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए थे, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स पीछे की तरफ भागे हैं, पानी की बौछारें उनके ऊपर साफ तौर पर की जा रही है। मांग यही है कि उनको इंसाफ मिले, सेफ एनवायरमेंट मिले, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कार्रवाई की जा रही है तो उसमें डिले क्यों हो रहा है, इन सभी मांगों को लेकर जो प्रोटेस्टर्स है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिएगा कि कैसे जो प्रोटेस्टर्स है पानी की बौछारों के बीच में भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, वी वॉन्ट जस्टिस के जो नारे हैं वो प्रदर्शनकारियों द्वारा साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब पानी के बौछारे प्रोटेस्टर्स पर डाली गई तो कुछ लोग पीछे की तरफ भी गए, जो लोग साइड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो पुलिस बल है वो अनाउंसमेंट भी कर रहा है, लोगों को समझा रहा है कि 163 इंपोज, आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए एक तरीके से गुस्सा जाहिर किया था कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उन पर लाठीचार्ज नहीं करेंगे। लेकिन तस्वीरें आप लोगों के सामने है कि कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आप ये देख रहे हैं कि बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बैरिकेड्स के पीछे लोग खड़े हुए हैं, प्रोटेस्टर्स खड़े हुए हैं, हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, उनके हाथ में नोटिस है, उनके हाथ में फ्लैग्स है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि वी वॉन्ट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए, क्या कार्रवाई हो रही है। उसको देखते हुए जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, एक तरीके से वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया और कोलकाता की सड़कों की ये तस्वीरें, इसी को लेकर हम सुबह से बात कर रहे थे कि ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके के इंतजाम थे उसके बाद आप देख रहे हैं कि कोलकाता की सड़कों पर वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, इसमें आंसू गैस के गोले जो है साफ तौर पर छोड़े जा रहे हैं जिससे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पीछे खदेड़े जाए। हालांकि जितने भी प्रोटेस्टर्स से हम लोग बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, वो आम जनता है इसलिए सड़कों पर है, वो ये लोग हैं जो कोलकाता में ही रहते हैं और अपनी जस्टिस की मांग कर रहे हैं इसलिए सड़कों पर है। और उनको मिल क्या रहा है, इंसाफ के बदले उनको मिल रहा है पानी की बौछारें, वाटर कैनन, आंसू गैस, लाठीचार्ज, जो लाठियां उन पर भांजी जा रहे हैं, इसी को लेकर स्टूडेंट्स पे रोष है। और पूरे तरीके से आज का जो प्रोटेस्ट है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम से बोला जा रहा है। आप ये देखिए, आपको तस्वीरों में स्पीकर नजर आ रहे हैं जिसके जरिए अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, तो आपको तस्वीरों में आंसू गैस के गोले नजर आ रहे हैं और इन्हीं सभी जो चीजों को इस्तेमाल करके उन प्रोटेस्टर्स की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अनामिका, क्या अपडेट आपके पास, क्या तस्वीर आपके पास नजर आ रही है, बैक टू अनामिका। जतिन, आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोग आज उतरे सड़कों पे अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, उसी बुलंद आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जतिन, आपने भी रिपोर्टिंग की है, मैंने भी रिपोर्टिंग की है, आपको याद आता होगा ये तस्वीर देखकर कि निर्भया केस जब चल रहा था तो कुछ ऐसी तस्वीर हमें दिल्ली में देखने को मिली थी जहां पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सारी हदें पार कर दी गई थी। कुछ ऐसी तस्वीर आपको आज कोलकाता की सड़कों पर दिखाई देगी जब एक अभया की इंसाफ की लड़ाई को लेकर प्रदर्शनकारी जो है वो आज इस तरीके से सड़कों पर जुटे हुए हैं, जैसे वो आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हो। लेकिन जो पुलिस की ओर से तैयारी है वो भी यहाँ पर ऐसी है कि जैसे आज प्रदर्शनकारी उनके लिए दुश्मन की जैसे बिल्कुल हो गए हैं। तो कुछ ऐसी तस्वीर जो है वो याद दिलाती निर्भया केस की भी, जब एक बेटी की इंसाफ की लड़ाई के लिए पूरा देश एकजुट हो गया था और किस तरीके से यहाँ पर जो है इंसाफ की लड़ाई उसको बुलंद करने के लिए जो कोलकाता के लोग हैं, जो कोलकाता के आम लोग हैं, जो महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से आंसू गैस के गोले फिर से छोड़ दिए गए हैं, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। और जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल, उसके बाद आंसू गैस के गोले, ये जो सिलसिला है ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज बंगाल की जो पुलिस है वो भी आज प्रदर्शनकारियों को छोड़ने के या बख्शने के मूड में नहीं है, आगे बढ़ने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि आज हर हथकंडा उनकी ओर से अपनाया जा रहा है, चाहे वाटर कैनन की बौछार हो या फिर आंसू गैस के गोले हो। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो कोलकाता की सड़कों से निकल के आ रही है, जतन और बाकी जो दर्शक देख रहे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे कि आखिर ऐसे क्या हालात बन गए जब प्रदर्शनकारियों का एक तबका प्रदर्शन करना चाहता है, मार्च करना चाहता है, अपनी आवाज को आगे पहुंचाना चाहता है, और आज ममता दीदी की जो पुलिस है वो आज ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे ये लोग इस देश के हैं ही नहीं, ये कहीं और से आए हुए हैं, ये किसी गैर देश के आए हुए हैं। तो बताना चाहूंगी मैं उनको कि जो लोग है ना, ये कोलकाता के ही लोग हैं, ये बंगाल में जो रहने वाले लोग हैं, जो बांग्ला भाषी लोग हैं, जो माँ माटी का मानुष का नारा बुलंद करते हुए ममता दीदी के साथ कदम ताल करते रहे, आज वो अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए सड़कों पर जब पैदल मार्च कर रहे हैं तो आज वो उनको नागवार गुजर रहे हैं, आज उनकी पुलिस को नागवार गुजर रहे हैं और उनको रोकने के लिए हर कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से। और यही वजह है कि आज पूरा देश
पूरा देश एकजुट दिखाई देता है जब हमने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में एम्स से लेकर के देश के कोने कोने में से जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस है, टॉप हॉस्पिटल्स है, वहाँ के डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट करते हुए देखा है, मार्च करते हुए देखा है, अपनी मांग करते हुए देखा है, न्याय की मांग करते हुए देखा है। और कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ पे भी दिखाई दे रही है जहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है अब वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ मेरी मौजूदगी है।